आखिर कौन लेगा हार्दिक पंड्या की जगह, रिप्लेसमेंट हो चुकी है घोषित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1071वां एपिसोड। आज 21 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और वर्ल्ड कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक वीडियो को दोस्तों जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही, चाहे 2024 का आईपीएल हो, चाहे आईपीएल की नीलामी हो या हो वर्ल्ड कप, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर। दरअसल दोस्तों पिछला मैच भारत बांग्लादेश का हुआ था, जिस मैच में एक बहुत ही अहम और अजीब वाकया सामने आया था, जब बांग्लादेश के गेंदबाज ने विराट को सेंचुरी ना पूरी करने के लिए वाइड बॉल फेंकी थी, लेकिन एम्पायर रिचर्ड कैटलब्रो ने वाइट सिग्नल नहीं दिया था ताकि विराट अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर सके। हालांकि दोस्तों ये मसला बांग्लादेश में तूल पकड़ चुका है, क्योंकि भारत में तो हम सभी लोग खुश हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस मसले को लेकर रिपोर्टेडली आईसीसी से शिकायत की है। एम्पायर रिचर्ड कैटलब्रो की ये जो शिकायत की गई है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया, भले ही वो किसी के फेवर में हो या ना हो। बेशक वो डिसीजन बांग्लादेश के फेवर में था, लेकिन वो इंडिया के भी फेवर में था, लेकिन बीसीबी ने इसका विरोध किया है और ये आरोप लगाया है कि एम्पायर ने पक्षपात किया विराट की सेंचुरी पूरी कराने के लिए। भैया मैं तो एक चीज बोलता हूं इस पूरे मसले पे, इन लोगों को शिकायत नहीं करनी थी, इन्होंने क्यों शिकायत की? इन्होंने खुद विराट की सेंचुरी ना पूरी करने के लिए उसको नो बॉल, वाइड बॉल जो है वो फेंकी। अब वो वाइड बॉल नहीं दी गई तो ये एम्पायर पर आरोप लगा रहे, ये खुद भी तो वही कर रहे थे। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही कर रही है बांग्लादेश की टीम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि शेन बॉन्ड मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच नहीं होंगे, और लगभग 1.5 महीने पहले एक खबर मैंने आपको दे दी थी कि लसित मलिंगा नए बॉलिंग कोच होने वाले मुंबई इंडियंस की टीम के। कल ऑफिशियली मुंबई इंडियंस ने ऐलान कर दिया है कि लसित मलिंगा अब उनके बॉलिंग कोच होंगे। लसित मलिंगा ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को छोड़ दिया है, जिससे वो पहले पिछले साल 2023 के आईपीएल तक एसोसिएट थे, एंड अब वो मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच की भूमिका में 2024 के आईपीएल में नजर आएंगे। नीलामी का भी हिस्सा हो सकते हैं, ऑक्शन टेबल पर भी बैठे नजर आ सकते हैं लसित मलिंगा। देखो मलिंगा के आने से मुंबई को फायदा होगा नुकसान होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। एज ए प्लेयर लसित मलिंगा ने आईपीएल को खूब दिया है, आईपीएल के पोस्टर बॉय रहे हैं और आईपीएल से खूब लिया भी है, एंड आईपीएल की सक्सेस में बड़ा अहम रोल भी निभाया है, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस की सक्सेस में निभाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी बड़ी खबर पर, रिपोर्ट पर बात करते हैं। तो ये खबर आईपीएल पर आ रही है और आईपीएल के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठ गए हैं हार्दिक पंड्या की इंजरी के बाद। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट यह है कि हार्दिक पंड्या इंजर्ड हुए, एंड हार्दिक पंड्या के साथ क्या परिस्थिति इस समय हो रही है, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की क्या टेंशन बन गई है, वो सब हमको पता है, लेकिन ठीकरा आईपीएल पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्टेडली नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने हार्दिक पंड्या से आईपीएल के दौरान ही एडवाइस किया था उन्हें कि आप आईपीएल के सारे मैचेस मत खेलना, कई मैचेस में रेस्ट करना अपनी पूरी रिकवरी के लिए। आपको बता दूं लंबे टाइम से हार्दिक पंड्या चोटिल थे और कुछ ही दिन पहले टीम इंडिया और आईपीएल में उनकी एंट्री हुई थी, और तब से ही ये कहा जा रहा था कि आपकी इंजरी वापस आ सकती है, पूरे आईपीएल मैचेस मत खेलना, ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने कहा था। पंड्या ने यह बात नहीं मानी, पूरे मैचेस खेले, एंड दैट्स व्हाई हो सकता है वो फटीक धीरे धीरे बनकर हमें वर्ल्ड कप में निकलता हुआ दिखा, एंड अब सवाल भी उठ रहे हैं। जाहिर है अगर आप आईपीएल के कुछ मैचेस रेस्ट ले लेते, आपकी इंजरी और बेहतर तरीके से सही हो जाती, तो हो सकता है कि एक नई इंजरी आपकी नहीं बनती वर्ल्ड कप में। अब इस पर आपकी क्या राय है, एनसीए पर आपकी क्या राय है, बीसीसीआई पर, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो आज 2 मैचेस होंगे, आज वर्ल्ड कप में डबल हेडर है। पहला मैच आज दोपहर 10:30 बजे नेदरलैंड और श्रीलंका के बीच लखनऊ में होगा, तो वही दोपहर 2 बजे दूसरा मैच और बड़ा मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच बम्बई में होगा। दूसरा मैच काफी बड़ा है, काफी अहम है, क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये दोनों ही झटपटा रही है टेबल पर, स्पेशली इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लिए जीत बहुत 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 जरूरी है। अब इंग्लैंड के लिए जीत जरूरी है, आपके लिए भी तो है, 10,000 का गिव अवे जीत लेना, 30,000 रुपए का ग्रैंड पॉट चल रहा है वो जीत लेना, और 27 रुपए में 25,000 रुपए जीतने का आपके पास मौका है प्लेयर स्पॉट पर। प्लेयर स्पॉट की लिंक डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जीएसटी का कोई इश्यू नहीं है प्लेयर स्पॉट पर, क्योंकि जीएसटी आपके अवज में ये लोग खुद आपके भी आप पर भर
छोड़ देते हैं। तो जिस तरह से पिछले सिस्टम में जिस तरह से कमाई होती थी वैसी ही कमाई होगी, आपको जीएसटी देना नहीं है। तो टेंशन किस बात की भैया, इस मैच में दोनों ही मैचों में अपनी टीम बना लेना, प्लेयर स्पॉट पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है सुरेश रैना को लेकर। सुरेश रैना की वापसी हो गई है एज ए कैप्टन। हालांकि वो आईपीएल भी नहीं खेल रहे हैं, पीएसएल, मिनी आईपीएल कहीं नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे लेजेंड लीग टी20। दरअसल दोस्तों लेजेंड लीग क्रिकेट की शुरुआत 18 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच होगी, खेला जाएगा। और अर्बन राइजर हैदराबाद के कप्तान बनाए गए हैं सुरेश रैना। तो सुरेश रैना की बल्लेबाजी एक दफ़ा फिर हमें देखने को मिलेगी। लगातार सुरेश रैना क्रिकेट से दूर थे जब से संन्यास लिया था, और लगातार फैंस भी डिमांड कर रहे थे कि बेशक आईपीएल नहीं तो दुनिया की किसी दूसरी लीग में तो दिख जाओ, लेकिन रैना नहीं दिख रहे थे और अब दिखे हैं तो वो एक इंडियन लीग में ही दिखे हैं, हैदराबाद की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। रैना की बल्लेबाजी हर कोई देखना चाहता है, इनके लिए लाइक बनता, नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। जैसा मैंने बताया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच बड़ा मैच है, लेकिन इस बड़े मैच से पहले दो बड़ी खुशखबरियां इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लिए आ गई है। जोफ्रा आर्चर ने ट्रेनिंग की है कल, हमने टेलीग्राम पर डाल दिया था। स्टोक्स की वापसी होने वाली है, ये भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था। रिपोर्टेडली या दोनों में से कोई एक आज के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100% खेलने वाला है। इन दोनों की जरूरत है, इंग्लैंड फंसी हुई है वर्ल्ड कप में, यहां से इंग्लैंड को बड़े मैचेस बड़ी टीमों के खिलाफ जीतना पड़ेगा, अदरवाइज इंग्लैंड के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये खबर हम ऑलरेडी दोस्तों टेलीग्राम पर, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स जो पर्दे के पीछे आती है टेलीग्राम पर डल जाती है, हमारी फैंटेसी टीम भी इंडिया के मैचों की हम टेलीग्राम पर देते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर टेलीग्राम, फटाफट जाओ टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं अब दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट को लेकर। हमने परसों के दिन देखा हार्दिक पांड्या चोटिल हुए और चोट के चलते उनकी परिस्थिति बुरी है, स्कैन रिपोर्ट्स जो उनकी आई है वो सही नहीं है, और बीसीसीआई ने भी उनकी रिप्लेसमेंट की तैयारी कर ली है, क्योंकि इस समय रिपोर्टेडली तीन बड़े प्लेयर्स के साथ बीसीसीआई जो है वो रिप्लेसमेंट घोषित करा सकता है। इन तीनों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, विजय शंकर, दीपक चहर और शिवम दुबे, इन तीनों में से किसी एक को हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के रूप में टीम इंडिया में एंट्री कराई जाएगी। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन जो रोल है, जिस रोल में है हार्दिक पांड्या, वो एक तेज गेंदबाजी या मीडियम पेस ऑलराउंडर का है, और उस रोल को कोई मीडियम पेस ऑलराउंडर ही भर सकता है। या तो दीपक चहर भर सकते हैं, या फिर शिवम दुबे भर सकते हैं, या विजय शंकर भर सकते हैं। शिवम दुबे को आईपीएल में एक अच्छे फॉर्म में देखा गया था, तो वो फ्रंट रनर सबसे ज्यादा आगे वही माने जा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बीसीसीआई को पांड्या की रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत है, घोषणा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो खबर आगे बताऊंगा, जो आठवीं बड़ी खबर है वो अच्छी नहीं है। पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ बाहर हो गए हैं, उनके टेस्ट और स्कैन कराए गए हैं, टेस्ट और स्कैन की रिपोर्ट ये कहती है कि वो 2 हफ्ते के लिए बाहर हो जाएंगे, और अगर वो 2 हफ्ते के लिए आज कन्फर्म हो जाएगा बाहर हो जाते हैं, देन फिर वो पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिए जाएंगे और उनकी रिप्लेसमेंट फिर बीसीसीआई घोषित करेगा। एंड दैट्स व्हाई मैंने सातवीं बड़ी खबर बताई कि सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, क्योंकि दैट्स व्हाई यू सब्सक्राइब्ड अस, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भैया इन तीनों में से कोई एक आने वाला है। पांड्या का जाना लगभग 90% तय माना जा रहा है अभी की खबरों के हिसाब से। बाकी आगे क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम पर फॉलो करके रखिए, सारी रिपोर्ट वहीं पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऐसे अब बात करते हैं दिनभर की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों विराट कोहली के नए रिकॉर्ड को लेकर। दरअसल दोस्तों विराट कोहली ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। विराट कोहली के अब 11 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हो चुके हैं, और किसी भी प्लेयर के इससे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड आईसीसी इवेंट्स, मतलब आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी मिलाकर किसी के नहीं है। मतलब विराट एक और नए रिकॉर्ड के पास पहुंच गए हैं, जिसको अब तोड़ पाना आने वाले 10 सालों में तो बहुत कम लोगों के पास इसको तोड़ने के चांसेस रहेंगे। तो जाहिर है नए पे नए रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की खूब कुटाई करी, बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली, पाकिस्तान को हार का मुंह एक दफा फिर देखना पड़ा। इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान के मनोबल बुरी तरीके से गिरे हुए हैं। ड्रेसिंग रूम में जो माहौल शुरुआती मैचों में पाकिस्तान का था, अब वैसा माहौल नहीं है। एक बड़ी जीत चाहिए है पाकिस्तान को रिवाइव करने में, अदरवाइज पाकिस्तान मैच दर मैच हारती चली जाएगी और किसी भी टीम से हारने की फिर स्थिति में पाकिस्तान आ जाएगी, क्योंकि इंडिया से जो वो हार मिली थी ना, वो भी हार नहीं थी, वो भी पिटाई थी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अब पीट दिया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने के बाद टेबल पर जीवित होती हुई नजर आई है, जो शुरुआत में थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही थी। तो भाई ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेयर स्पॉट का अकाउंट बना लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।